नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आइए अब आपको विज्ञान केंद्र हमारे वलसाड़ जिले का, दक्षिण गुजराती वलसाड़ जिले का जिला विज्ञान केंद्र है और आपको दिखाते हैं इस विज्ञान केंद्र के अंदर और क्या क्या प्रयोग और प्रवृत्तियां होती है। आइए आपको अंदर का पूरा माहौल दिखाती है। हमारे साथ अधिकारी जी भी यहाँ पे मौजूद है। सर, आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम सरनेश राठौर, मैं यहाँ शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यरत हूँ और ये जो जिला विज्ञान केंद्र है उसकी स्थापना जो हुई थी 27 अप्रैल 1984 में। अच्छा। और तब से ये जो है पूरा चल रहा है और यहाँ पे अलग अलग गैलरी जो है ईर्गा है, पॉपुलर साइंस गैलरी, परसेप्शन गैलरी, फन साइंस गैलरी, मिरर एंड मैजिक गैलरी है, उसके बाद में इनोवेशन हब है, श्री शो है, प्लैनेटोरियम शो है, ये सारी फैसिलिटी के साथ साइंस पार्क जो है, ये सारी फैसिलिटी यहाँ पे मौजूद है। आइए सर, हम देखते हैं ये पूरे गैलरीज को। दर्शकों, आपको ये पूरी सारी गैलरिया जो है, यहाँ पे सारी गैलरीज है, आपको बारी बारी दिखाते हैं कि यहाँ पे कौन सी गैलरी है विज्ञान की, यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम यहाँ पे होते हैं। फिलहाल प्लैनेटोरियम जो है मेंटेनेंस के लिए फिलहाल बंद रखा है और फिलहाल कोरोना के महामारी के चलते यहाँ पे काफ़ी पर्यटक अभी फिलहाल कम मात्रा में आ रहे हैं और यहाँ पे प्रवेश द्वार के अंदर आते ही यहाँ पे सैनिटाइजर का काफ़ी अच्छा यहाँ पे वो लोग ने इंतज़ाम करके रखा है। साबुन और पानी के दोनों सिस्टम को अलग अलग करके रखा है और उसके बाद भी विज्ञान केंद्र में अंदर दाखिल होते ही सैनिटाइजर का यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे उपयोग यहाँ पे किया गया है ताकि गाइडलाइंस की यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पालन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते यहाँ पे फिलहाल पर्यटक कुछ कम आ रहे। आइए आपको दिखाते हैं बारी बारी एक एक गैलरी। यहाँ के जो प्रमुख अधिकारी जो है उसका नाम है बल राय सर। अच्छा। उनकी जो डेजिग्नेशन है डिस्ट्रिक्ट साइंस ऑफिसर। ओके। और मैं एजुकेशन ऑफिसर। ओके। और बहुत सारी गतिविधियाँ यहाँ पे होती रहती है। हाँ। अभी जो भी वैज्ञानिक महत्व के दिवस होते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी कोविड की वजह से हम लोग ऑनलाइन कार्यक्रम भी और बढ़े हैं। हाँ। और ऑनलाइन कार्यक्रम करते हैं, जैसे अभी संविधान दिवस की सेलिब्रेशन किया गया है। अच्छा। इसके अंदर हमने ऑनलाइन क्विज कंपटीशन और कॉन्स्टिट्यूशन डे उसके ऊपर सेलिब्रेट किया और काफ़ी सारे लोगों ने रिस्पॉन्स किया। अच्छा। तकरीबन 218 लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ऑनलाइन सर्टिफिकेट प्रेजेंट किया। ओके। ये डांसिंग डॉल टाइप है और इसके ऊपर जो है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर ये इसका जो पूरा ढांचा है गुरु को मध्य बिंदु के ऊपर ये सब की है। उसका कैसे करेंगे वो अपने आप को बैलेंस होने की कड़ी है, जैसे इसको बंद कर दिया और मैं ऐसे कर दिया, ये पूरा एक बिंदु के ऊपर ये पूरा बैलेंस हो रहा है। तो कैसे भी आप को ऑपरेट करो वो अपनी जगह से गिरेगा नहीं और खुद ही बैलेंस होने की कड़ी है और थोड़े बाद में वो सीधा तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के प्रकार से। यहाँ पे विज्ञान के बारे में अगर जानकारी किसी को लेनी हो तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए। विज्ञान उसका अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं उसका मतलब होता है विद्या से दिया हुआ ज्ञान और विज्ञान में हमेशा हमें सच बात करना सिखाता है। विज्ञान में हम सबूत के साथ हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। आइए एक बार हमें प्रयोग देते हैं ये प्रयोग क्या है, हम सर से पूछते हैं जो हमारे साथ शिक्षा अधिकारी है इस विज्ञान केंद्र के जिला विज्ञान केंद्र के सर। ये जो है प्लैनेट मूवमेंट जी और यहाँ पे प्लैनेट कैसे मूवमेंट करते हैं ये दोनों अपग्रेड है ये पूरा जो है ग्रह जो है हमारे सोलर सिस्टम का ग्रह है किस प्रकार से हमारे सोलर सिस्टम में जो ग्रह रेवोल्यूशन करता है तो वो यहाँ पे पूरा दिखाया गया है किस एक प्रयोग के तौर पे बहुत ही अच्छा
साथ, क्योंकि विज्ञान में कभी भी गलती गुंजाइश नहीं होती है, इसलिए गलती यहाँ पे होती ही नहीं है कभी भी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कैसे हमारे बाहरी कान होते हैं, वहाँ से हम जो आवाज़ को एनहेंस करते हैं, मैं कुछ बोल रहा हूँ वो आपको एज इट इज नहीं सुनाई देगा, जब यहाँ से वो डिकोड होगा तभी आप उसको समझ सकते हैं, बाकी आपके कानों के शब्द टकरा रहे हैं लेकिन आपका मतलब नहीं जान सकते जब तक यहाँ पे उसका वो आवाज़ को डिकोड नहीं होगा। क्योंकि वो पूरे तक वो सारे शब्द सुनते हैं, उसका मतलब जानते हैं, फिर बाद में वो पहचान सकते हैं कि हाँ ये चीज़। और एक बार वो दर्शित हो गया तो दूसरी बार में वो चीज़ जब सुनने में आती है या फिर हम देखने में आती है तो वो जब से पहचान लेते हैं। इसी भी एनिमल्स की भी अगर आवाज सुनने एक बार हमारी सुन ली समझ में ये डॉगी है वो काफी समय से हमारी आंख बंद होगी तो भी हम कोई कुत्ता भौंकेगा तो हमें पता चलता है ये कुत्ते की आवाज है, या फिर हम आंख बंद कर बैठे हैं और हमारा कोई परिचित मित्र है वो हमें आवाज लगाता है तो आए ये तो सुनील की आवाज है या ये अभी कभी बिना फोन नंबर देखे भी हम वो अननोन नंबर से कॉल किया तो भी हम पहचान लेते हैं अरे ये बंदा है। तो एक बार ब्रेन में रजिस्टर हो जाती है वो फ्रीक्वेंसी वो वॉइस में तो हम उसको नॉर्मल रखते हैं वो हमारे दिमाग में रहता है। मैंने तो एक्सप्लोर और मैं तो काफ़ी मैं एनजीओ जाती रहती थी या फिर झगड़ा जो विकास पुनर्विकास केंद्र है तो वहाँ पे एक स्टूडेंट है वो स्लो लर्नर है, सब लोग बोलते हैं उसको याद नहीं रहती तो भी लेकिन वो मुझे हमेशा याद रखता है। मैं जब उससे फोन भी करती हूँ उसको मैंने सीमा में बोल दी है मतलब उसकी याद शक्ति मुझे थोड़ी कम लेकिन वो अच्छे लोगों को याद रखता ही है। इसी तरह ये साउंड स्पेक्ट्रम है इसमें अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी है ये यहाँ से लेके अलग अलग फ्रीक्वेंसी ये हमारी जो है 22 to 20,000 MHz ये जो गीगा ये जो है ये हमारी ताकत होती इतना से इतना उससे कम में नहीं सुन पाएंगे उससे ज़्यादा में नहीं सुन पाएंगे। ये जो है ये फिर जो सुन सकते हैं वो साथी है या दूसरे कोई है वो सुन सकते हैं, फिर ये जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अलग दूसरे ये डॉग है वो अब ह्यूमन है ये बड़ी अल्ट्रासोनिक जिसको बोलेंगे और इसको इंट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, तो ये ज़्यादातर रेप्टाइल्स होते हैं वो कभी कभी आपने सुना होगा कि जब भूकंप आने से पहले वो ज़्यादा हो जाते हैं, तो ये उनको ये जो ह्यूमन हेयरिंग रेंज वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो जमीन के अंदर होने वाली हल्की हल्की फ्रीक्वेंसी अलग है वो ये लोग सुन सकते हैं ताकि वो जल्दी से अलर्ट हो जाते हैं। जी जी सही ये सारी ये चार्ट देखेंगे अच्छे से वैसे मैं आपको दो मिनट में ये बता रहा हूँ लेकिन ये पूरा इतना ही समझने के लिए पूरा कम पड़े एक घंटा सही बात नहीं इसको अगर प्रैक्टिकली तो समझने के साथ तो काफ़ी समय चाहिए वैसे ये नोट है नोट लेवल फाइव साइज में इसका भी है फिर ये अल्ट्रासोनिक साउंड है इसके बारे में भी ये में जो अल्ट्रासोनिक साउंड है और चमगादड़ कैसे रात में शिकार करता है उसको दिखाई नहीं देता है रात में लेकिन फिर भी ये इसी प्रकार के साउंड वेव को प्रोपोगेट करता है और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर जब आती है वो 3D पिक्चर बन जाता है उसके दिमाग में और वो चीज़ मूवेबल है या सही है जीता है या कोई उसके खाने लायक है वो भी उसको पता चलता है। क्योंकि अगर कोई मान लीजिए कोई छिपकली है या ऐसा कुछ है या उसके खाने लायक चीज़ है तो उसकी कुछ मूवमेंट होगी तो उसके ऊपर से और कोई पत्थर होगा तो वो भी उसको पता चल जाएगा उसकी मूवमेंट वगैरह सब चीज़ को पता चला। उसी तरह से समुद्र में आपको पता होगा टाइटैनिक का तो जो सोनार वेव जो फ्लेक्स है वो रिफ्लेक्ट होकर किसी हिमशिला से या से टकरा के वापस आती है तो उसका पूरा थ्री डायमेंशन पिक्चर बन जाता है ये डायरेक्शन में इतना बड़ा ये चट्टान है या जो भी कुछ है और वो डाइवर्ट कर देता है। तो इससे बहुत सारी ऐसी इसमें क्या है कि आप हाँ भाई ये सर्किट ऐसी बनाई है कि उसको सर्किट जैसे ब्रेक होता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है तो अगर किसी को अच्छे से ये तो ऐसे अलग अलग साउंड क्रिएट कर सकते हैं एक नोट बना सकते हैं जिस तरह की अलग अलग ये जो है प्रक्रिया हमने उनको ज्ञान से बनाया है स्पेशल फिजिकली चैलेंज उनके लिए और इन जनरल लोग भी उसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये बनाए के समय उनको हमने ज्ञान रखा था स्पेशल
तो यहाँ पे आपको क्या करना है, किसी एक चीज को सर्किट पर टच करना है और उसका मैचिंग आपको इसमें से ढूंढना है। अच्छा ओके। इसको इसकी बनने वाली रजिस्टर करनी है, और फिर उसका कोई पार्ट ना मिले तो उसको भी देख लेना है, खुद भी देख लेना है। ये सही है, सही है। पहले बात की है, आपको एक सर्फेस टच कर लीजिए, तो इसका मैच देखने की ट्राई कीजिए। ये है शायद, और कंफर्मेशन के लिए आपको खोल के देखना है। तो ये वुडन, तो इस तरह से जो विजुअल चैलेंज होते हैं वो देख नहीं सकते, लेकिन ऐसे स्पर्श के माध्यम से वो अपनी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह ये जो है यहाँ पे आप हाथ नीचे रखेंगे, हाँ पहले यहाँ पे ज़्यादा कॉन्शियस होकर इसको टच किया है। अदरवाइज फर्स्ट ऐसे करेंगे तो आपको जस्ट ऐसे झटका लगता है, करंट जैसा फील होता है। अच्छा। इंजन अंजाने में इसको टच कर दिया तो ब्रेन के एक साथ इतने सारे नेल चुभते हैं। अच्छा। तो हर एक जो नेल है वहाँ पे जो टच रिसेप्टर होता है वो ब्रेन को सिग्नल भेजता है, और एक साथ थाउजेंड्स ऑफ सिग्नल उसको मिलते हैं तो ब्रेन उसके ऊपर एकदम अलग से रिएक्ट करता है। सेकेंड टाइम वो पूरा कैमरा के साथ कोई फोटो नहीं है, और ये एकदम लो रिजोल्यूशन ब्रेन में ये दिखाया। तो ये दो ये दो तीन बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा, इसको ना अच्छे से लेने रखा हूँ पिक्सल वाला, इसको मैं अलग से एक एपिसोड में डालूंगी। तो यहाँ पे टच करके वो लोग संडे मंडे ट्यूजडे जो है वो पढ़ सकते हैं। अच्छा। और ये जो इसमें आप देखेंगे ना इसको टच करेंगे तो हर एक साइड पे उल्टा एल जैसा दिखेगा। अच्छा। तो ये जो है उल्टा एल ये उस डॉट के ऊपर पूरा उनका ब्रेन लिख ब्रेन लिख। अगर आप देखेंगे तो वन और ए दोनों में एक ही पॉइंट है, लेकिन जहाँ पे वन लिखा होगा ना उसके आगे ये मेरे साइन इसको कंसिडर करना है एज अ वन, तो उसके आगे ऐसे एल साइज में ये होगा तो वन है, उसके आगे ऐसे आपको तीन और उसके बाद में ये वन है। तो यहाँ उसको अगर ये एल साइन नहीं होगा तो उसको ए कंसीडर करेगा, एल साइन है तो उसको वन कंसीडर करेगा। तो इस तरह से ये अलग अलग होता है। तो वन टू लेके टेन तक आप देखिए, तो ये पूरा देखिए आप उसके साइन ये देखिए मैच हो जी 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 ये गर्म और ठंडी समय है, तो इसमें भी आप टच करके देख सकते हैं कि ब्लैक बॉडी जो होती है वो ज़्यादा रिएक्ट करती है और वाइट जो है वो जी तो थोड़ा डिफरेंस आपको पता चलता है। कैसे हम स्मेल दे सकते हैं, कैसे ये टच उसके बाद टंग का जो है टेस्ट है क्यों हम लोग दवाई यहाँ रख के खाते हैं अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो है वो चेक करते हैं। इसी तरह से उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल पूरा प्रयास करेगी कि दर्शकों को तरह तरह की जगह तरह तरह के समाचार सटीक समाचार सही वक्त तक पहुंचा सके। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। उज्जवल भारत न्यूज़ चैनल के साथ बने रहिए। उज्जवल भारत न्यूज़ देश की प्रखर आवाज़। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।